हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का अन अकेडमी में। मैं दीपक कुमार सिंह। तो बच्चों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की सेशन में। आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे एंग्लो भूटानीज रिलेशन और नेपालीज। तो आज मैं आपको भूटानी नेपाली दोनों जो रिलेशन है इसको अच्छे से समझा के रहूँगा और अच्छे से हर एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। देखिए बच्चों, इससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। जब आपको अन अकेडमी कोर्स अगर सब्सक्राइब करना है तो आप ये कोड यूज़ करेंगे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे दीपक1, इस कोड को यूज करने के बाद आपको 10% डिस्काउंट, इसके साथ मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको अन अकेडमी की तरफ से ऑफर होती है। इसके अलावा देखेंगे बच्चों, दीपक वन कोड पे 10% डिस्काउंट आपको अन अकेडमी प्रोवाइड करेगा और मैं आपको पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड करूंगा अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो। अगर आप ऑप्शन सब्सक्राइब करें तो वहां पे भी ये कोड आपको 10% डिस्काउंट अवेल करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो 9 मंथ आपके पास में है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए एक 9 मंथ का कोर्स जो आपका 24 अक्टूबर तक वैलिड होगा। और यहाँ पे आप दीपक1 कोड यूज करके ही कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस मात्र 45,000 है, केवल 45,000 रुपये। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आप इतनी अपनी तैयारी कर सकते हो। इसके अलावा दीपक1 कोड यूज करने पर 8,999 रुपये में आपको सीसैट जो है इसका बेनिफिट भी आपको अवेल मिलता है। इसके अलावा दीपक1 यूपीएससी जो है मेरा टेलीग्राम चैनल है, मुझसे जुड़ने के लिए आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जो कि है दीपक1 यूपीएससी। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे भूटान और नेपाल की, क्योंकि अभी तक बात हो चुकी है अपने देश की। भारत में वॉरेन हेस्टिंग्स से लेकर लॉर्ड डलहौजी तक बहुत से लोग आए और इन लोगों ने अपनी अलग अलग नीतियों से काफी परिवर्तन भी कर कर दिखाया। परिवर्तन इन द परिवर्तन किस मायने में मैं बोलना चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं डिटेल में। परिवर्तन कहने का मतलब बेटा ये है, इन सभी व्यक्तियों के द्वारा, वॉइस लो है क्या, आप सभी को वॉइस लो आ रहा है क्या? जी हाँ बेटा, एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअल में हुआ क्या, मैं आपको मेन गेम बताता हूँ। मैंने सोचा कि ये टॉपिक बड़े लेवल पे डिस्कस करेंगे और मैंने एंग्लो भूटानीज नहीं था, एंग्लो बर्मा करना था, क्योंकि भूटान के साथ तो कुछ है ही नहीं। अब एंग्लो बर्मा की जगह एंग्लो भूटानीज आ गया है। तो आज का टॉपिक 15 से 20 मिनट से ज्यादा चलने वाला नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि अब इतने टॉपिक के लिए स्टूडियो में पढ़ाने से अच्छा है कि लैपटॉप ओपन करते पढ़ा देते हैं। और कल तो मैराथन है 5 घंटे का, तो कल तो इकोनॉमी के मैराथन में डिस्कशन होंगे ही। ठीक है, हाँ तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे भूटान की, क्योंकि जब आप अपने देश में अपने इलाके को मजबूत कर लेते हो तो अब आपका सेकेंड जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है आपके नेबरिंग कंट्रीज, मतलब आपके पड़ोसी देश। पड़ोसी देशों में उस समय भूटान था और नेपाल था। इसके ऊपर इनका नजरिया बहुत ज्यादा था क्योंकि उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, और अफगानिस्तान के साथ में इनके क्या रिलेशन थे, क्या वॉर हो रहा था, ये हम सबने देख लिया है। अब बाकी बचे दो, एक नेपाल और एक भूटान। अब इसमें अगर हम भूटान की बात करें तो भूटान में जब अंग्रेज आसाम में पहुंचते हैं तो वहां से इनकी भूटान के साथ में काफी क्लोजनेस बढ़ती है। तो एंग्लो भूटानी जो रिलेशन है इसको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा एक स्टोरी। हुआ क्या, 1826 का समय था जब ब्रिटिश ने आसाम क्षेत्र को जीत लिया। जब ये आसाम को जीतते हैं, आसाम को अपने कब्जे में करते हैं, तो इनकी भूटान से जो दूरी थी वो काफी कम हो गई, मतलब ये भूटान के बिल्कुल पड़ोस में चले गए। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे होंगे कि आसाम का क्षेत्र है, ये भूटान आपको दिख रहा है, और भूटान के बिल्कुल पास में आसाम का क्षेत्र है। तो जब ब्रिटिश के अंडर में 1826 में आसाम आया तो भूटान उनका हो गया पड़ोसी। अब जो पड़ोसी था वो थोड़ा शैतान था, शैतान मतलब समझते हैं, जी हाँ, नादानियां थी। नादानियां क्या थी, जो भूटानीज थे वो लगातार आसाम और बंगाल में इंटर कर जाते, वहां पे लड़ते, ब्रिटिश को लूट के चले जाते। फिर ब्रिटिश के एक व्यक्ति एल्गिन्स ने अपना एक दूत मंडल भेजा और उसको भी इन्होंने परेशान किया, कई दिन तक तो उनको लटकाए रखा। उसके बाद फिर देखा जाए कि ये लगातार जब अटैक कर रहे थे तो ब्रिटिश ने बोला कि अब हमसे बर्दाश्त नहीं होगा, और ब्रिटिश ने इनके ऊपर अटैक किया और इनके इनसे बोला कि भी तुम अपने जितने भी पास है, पास मतलब आप समझते माउंटेन रेंज में जो दरिया होता है, एरिया बिटवीन टू रिवर्स, ठीक है, सॉरी टू माउंटेन्स पासेस, ये जो पासेज हैं
क्लियर है। ये जो दर्रे थे इस समय, उन दर्रों को इनसे सरेंडर करने की मांग की, जहां से वो बार बार भारत में इंटर करते थे, और ब्रिटिश ने वहां पे अपना चेक पोस्ट लगा दिया, अपना दबदबा बना लिया। और इसके अलावा ये जो अलायंस पे करते थे भूटान को, वो भी अपना बंद कर दिया। इस प्रकार से भूटान के जो शैतान नादानियां थी, उन्होंने अपना ही लॉस करा लिया, फिनांस लेवल पे भी लॉस करा लिया, दूसरे स्तर पे भी लॉस करा लिया जी। उसके बाद देखेंगे 1865 में भूटानियों को, जब ब्रिटिश बहुत मजबूत होते हैं, क्योंकि ये समय वो है जब इंडिया में क्राउन आ जाता है, क्लियर है। तो क्राउन के आने के बाद में भूटान ने फोर्स किया सरेंडर करने को, कि भैया तुम अपना सारा पास, जो सारे दर्रे जो है रास्ते, वो सब सरेंडर कर दो, क्लियर है, इन रिटर्न फॉर एन एनुअल सब्सिडी, और हमसे वार्षिक एक भुगतान ले लो। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत का बिल्कुल पड़ोस में एक छोटा सा हिस्सा, जो आजादी के बाद में भी अगर भारत में मिलाना चाहते तो मिला सकते थे, लेकिन क्या करें, शुरुआत से ही उसका कल्चर अलग हो गया, क्योंकि ब्रिटिश ने जिस तरीके से कश्मीर के साथ रिलेशन डेवलप किया, वैसा ही कोई कुछ रिलेशन डेवलप किया था इन्होंने किसके साथ में, भूटान के साथ में। इस प्रकार से इन लोगों ने जो भी इलाके सरेंडर किए, वो इलाके आगे चल के चाय के बागान के लिए काफी ज्यादा फेमस हुए, जिनमें आपने शायद नाम सुना होगा दार्जिलिंग, ठीक है, सिलीगुड़ी, ये जो क्षेत्र थे ये उस समय उन्हीं क्षेत्र विशेष के अधीन आते थे, और इन सभी इलाकों में आज चाय के बागान और बहुत ही फेमस है, और बहुत बड़े लेवल पे वहां पे चाय का व्यापार होता है। इस प्रकार से भूटान और अंग्रेजों के बीच में रिलेशन थे। फिर अगला रिलेशन आता है नेपाल के साथ में, ठीक है जी हाँ। अब नेपाल के साथ में देखेंगे, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आपको देखने को मिलेगा। उस समय जो नेपाल थे, मतलब नेपाल के एक राजा थे, अगर देखा जाए तो नेपाल का यूनिफिकेशन करने वाले वही थे, क्लियर है, जिनका नाम था पृथ्वी, क्लियर है, पूरा नाम जो था उनका महाराजा पृथ्वी सिन्हा करके पूरा नाम होता था, ये गोरखा के आखिरी शासक थे। नेपाल को इन्होंने यूनिफाइड किया, और जब इन्होंने नेपाल को यूनिफाइड किया तो काली रिवर को क्रॉस करके उधर बढ़ गए, सिक्किम के बहुत से एरिया को अपने कब्जे में कर लिया। ये बातें जब सिक्किम को कब्जे में किया, और नेपाल के क्या कहते हैं कि कुमाऊं और गढ़वाल और काली रिवर के पश्चिम में और सतलज तक फैल गए, जब इनका क्षेत्र बहुत ज्यादा फैल रहा था, उसी समय अंग्रेज भी अपने आप को बढ़ा रहे थे। एक ऐसा इंसिडेंट होता है कि अंग्रेज गोरखपुर तक पहुंच जाते हैं, और जब अंग्रेज गोरखपुर को कब्जा करते हैं तो इन दोनों के बीच में फिर से नजदीकी आ जाती है, जो आप देखोगे भूटान के और अंग्रेजों के बीच में आए थे। तो आइए देखते हैं इसमें सबसे पहले, द गोरखाज रेस्टेड कंट्रोल ऑफ नेपाल फ्रॉम सक्सेजर ऑफ रंजीत मल द भटगांव इन 1760। गोरखाज जो थे, इन्होंने भटगांव के रंजीत मल के द्वारा उनके जो क्षेत्र में जो इलाके थे उनको अपने कब्जे में 1760 में कर लिया। दे बिगेन टू एक्सपेंड देयर डोमिनियन बियॉन्ड द माउंटेन्स, मतलब ये काली रिवर के वेस्ट में जाने लगे। कुमाऊं गढ़वाल का एरिया आपने देखा होगा, इन्होंने सिक्किम के बहुत से क्षेत्रों को आपस में अपने आप में जीत लिया। दे फाउंड इट इजियर टू एक्सपांड इन द सदर्न डायरेक्शन एज द नॉर्थ वॉज वेल डिफेंडेड बाई द चाइनीज, और इन्होंने अपने आप को दक्षिण की ओर बढ़ाया, क्योंकि उत्तर में चीन पहले ही अपना यूनिफिकेशन बहुत लंबे समय पहले कर चुका था, और चीन ने उसकी सुरक्षा बहुत लंबे समय से की थी और वेल डिफेंडेड था, तो इनको लगा कि उत्तर नहीं जा सकते तो चलते हैं दक्षिण में चलते हैं। जब ये दक्षिण की ओर आ रहे थे, उसी समय 1801 में ऐसी एक स्थिति बनती है, क्या 1801 में अंग्रेज गोरखपुर को एनेक्स करते हैं। अब गोरखपुर वॉज लाइक दैट, अगर मैं आपको एक मैप बना के बताना चाहूं जी, ठीक है हाँ, ये आपका भूटान सिक्किम वाला इलाका ले लीजिए, ठीक है, ये यूपी में इस प्लेस पे गोरखपुर है, यहाँ पे तराई इलाका है, क्लियर, और ये आपका नेपाल का इलाका है। अब नेपाल के बिल्कुल पास में गोरखपुर, गोरखपुर के इलाकों को इन लोगों ने अपने कब्जे में, मतलब अंग्रेजों ने अपने कब्जे में किया। जैसे ही वो गोरखपुर पहुंचे तो इनका एक और नया पड़ोसी मिल गया, इस पड़ोसी का नाम था नेपाल। उस समय नेपाल में गोरखा जो थे वो सबसे पावर में थे, और गोरखा अपने आप को साउथ में बढ़ाना चाहते थे। इसको लेकर इन दोनों के इंटरेस्ट के बीच में
आ गया, मतलब इनके इंटरेस्ट के बीच में नेपाल, मतलब नेपाल का तराई भाग जो अंग्रेजों के कब्जे में था, जो आज यूपी है, यूपी और बिहार का उत्तर का भाग जो है, गोरखपुर हुआ, कुशीनगर हुआ, चंपारण डिस्ट्रिक्ट हुआ, क्लियर है, ये सभी इलाके, और उत्तर में आप देखेंगे गोरखा थे। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, और कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो मतलब ड्यू टू गोरखाज कैप्चर बुटवल एंड स्वराज, बुटवल और स्वराज नाम की जो दो जगह थी, बुटवल और स्वराज, बेटा ये दो जगह जो थी ये कब्जा कर ली जाती हैं गोरखा के द्वारा, और ये समय था लॉर्ड हेस्टिंग का। तो लॉर्ड हेस्टिंग ने इनके खिलाफ युद्ध छेड़ा, जो 1814 में से लेकर 1816 के बीच में कई सीरीज में लड़ा गया। इस सीरीज में 1816 में गोरखा हरा दिए जाते हैं, और गोरखा हराने के बाद में ब्रिटिश के द्वारा गोरखाओं के ऊपर एक ट्रीटी, एक संधि थोपी जाती है, जिसे हम ट्रीटी ऑफ सागौली का नाम देते हैं, जो 1816 में हुई थी। अब 1816 में जो ट्रीटी ऑफ सागौली थी, बेटा आप लोगों में से किसी ने सागौली का नाम सुना है, बताएं, सागौली का नाम सुना है? बताएं जी, ट्रीटी ऑफ सागौली का नाम सुना होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं सागौली के बारे में। आपने रुडयार्ड किपलिंग की शायद कहानी देखी हो, रिक्की टिक्की तवी। रिक्की टिक्की तवी जो है, ठीक है, हाँ, इसमें पहली बार, ठीक है, सागौली को ऐसे करके नाम दिया गया, सिगौली करके। यहाँ पे एक अंग्रेज परिवार रहने आता था, उस अंग्रेज परिवार का जो मालिक था उसने एक नेवले को अपने घर पे रखा, जिस नेवले का एक नाग और नागिन के साथ होता है, ये तो बहुत अच्छी कहानी है, कभी खाली समय में, ठीक है, हाँ, रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक की एक स्टोरी है रिक्की टिक्की तवी, यही सागौली नाम आपको देखने को मिलेगा। सागौली जो है पूर्वी चंपारण का इलाका है, ठीक है, आपने बिहार में चंपारण डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, चंपारण दो है, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। ये ईस्ट चंपारण में एक छोटा सा गांव है, एक विलेज है, क्लियर है, और उस विलेज में ही सागौली की संधि होती है। इस संधि में नेपाल एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेजिडेंट, नेपाल को एक ब्रिटिश रेजिडेंट, मतलब काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट बैठेगा, क्लियर। एक हिसाब से हमने विदेश में सब्सिडारी अलायंस का बदला हुआ रूप लगाया। नेपाल सीडेड द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गढ़वाल एंड कुमाऊं, नेपाल गढ़वाल और कुमाऊं जैसे क्षेत्र जो होंगे ये वापस कर देगा किसे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और वह तराई के क्षेत्रों से अपना क्लेम जो है वो छोड़ देगा। तराई के क्षेत्र मतलब उस समय चंपारण हुआ, ठीक है, अगर मैं आपको यूपी में बताऊं तो आप यूपी में इसको लेके देख सकते हैं, आपने शायद जिले के नाम सुने होंगे, आपने नैनीताल, ठीक है, उसके बाद कुमाऊं गढ़वाल हो ही गया, इधर आ जाएंगे आपने लखीमपुर पीलीभीत, ठीक है, लखीमपुर पीलीभीत, उसके बाद फिर आपने बहराई डिस्ट्रिक्ट सुना होगा, फिर आपने गोरखपुर सुना हो अगर मे भी, अगर यूपी के रहने वाले हो, फिर बिहार में चंपारण हुआ, ठीक है। तो ये सभी क्षेत्रों में जो तराई के इलाके थे उससे इन्होंने गोरखा ने अपने क्लेम पीछे कर लिए। नेपाल ऑल्सो विड्रॉ फ्रॉम द सिक्किम, और नेपाल ने सिक्किम से भी अपने आप को विड्रॉ कर लिया। तो याद रखेंगे आज जो आपके पास में उत्तराखंड है वो ट्रीटी ऑफ सागौली के कारण है, और उसी समय काली रिवर जो था उसके वेस्ट में, मतलब काली रिवर से लेकर वेस्ट में सतलज तक, ये पूरा जो डोमिनेंस उस समय गोरखा के अंडर में था वो आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में, और काली के ईस्ट में पूर्व में इनकी पूरी बाउंड्री तय कर दी गई। इस प्रकार से इनके बीच में एक डिवीजन तय होता है। तो आज के समय में जो आप देखते हैं उत्तराखंड आपके पास है, क्लियर है, उत्तराखंड के अलावा जो यूपी और बिहार का जो नॉर्दर्न पार्ट है नेपाल से सटा हुआ वो इलाके, मतलब तराई रीजन, और आपका जो सिक्किम का क्षेत्र है, ये मैं शॉर्ट करके लिख दे रहा हूं ताकि आपको दिमाग में रहे, ये तीनों क्षेत्र ट्रीटी ऑफ सागौली के द्वारा भारत में मिले थे, उस समय की बात है ये, ठीक है जी, क्लियर, हाँ। आगे देखेंगे यहां पे इस एग्रीमेंट से फायदा क्या होता है, मतलब ट्रीटी ऑफ सागौली से फायदा क्या होता है। तो ट्रीटी ऑफ सागौली से ब्रिटिश एम्पायर जो था
अब वो हिमालय तक पहुंच गया था, हिमालय के क्षेत्रों तक पहुंच गया था। क्लियर है? आज का बहुत ही छोटा टॉपिक अब ये खत्म हो रहा है। कल मैराथन होगा और परसों से फिर इसका टॉपिक स्टार्ट होगा, धुआंधार बर्मा वॉर देखेंगे। वो पढ़ने लायक है, मजेदार है। हमने कैसे ये मैंने ये टॉपिक उठा लिया पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप बोलो कि आपने ये छोड़ दिया, इसलिए मैंने उठा लिया। ठीक है। द ब्रिटिश एम्पायर नाउ रीच द हिमालयाज, इट गॉट बेटर फैसिलिटीज फॉर ट्रेड विद द सेंट्रल एशिया। इसने सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के साथ में इसके व्यापारिक मार्ग ओपन हो गए। इट एक्वायर साइट्स फॉर द हिल स्टेशन सच एज शिमला, मसूरी एंड नैनीताल, बिकॉज काली रिवर से लेकर और पहाड़ी क्षेत्रों में सतलज तक ये पूरे इलाके इनके बीच में आ गए। द गोरखा ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन लार्ज नंबर, और आगे चल के ब्रिटिश इंडियन आर्मी को गोरखा ज्वाइन करते हैं, और आजादी के बाद भी आज गोरखा हमारी आर्मी का एक बहुत अहम हिस्सा है कि नहीं है, बताइए। आफ्टर इंडिपेंडेंस है कि नहीं है? तो ये देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पर। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर लूं, फिर मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर सकता हूं। ठीक है, ये जो इलाका है ये, ठीक है, एम्पायर ऑफ द गोरखा, ठीक है जी, ये गोरखा के क्षेत्र रह गए। इसके अलावा अंग्रेजों ने इनसे कुमाऊं, गढ़वाल, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र। इधर आप देखेंगे आपका हो गया क्या कहते हैं तराई रीजन, और इधर आप देखेंगे सिक्किम। तो इस समय ये जो इलाके हैं, ये जो ग्रे कलर से शेडेड इलाके हैं, ये इलाके इन्होंने ट्रिटी ऑफ सागौली में दिए थे, और तब जाकर नेपाल सिमटकर इस बीच में हो गया था। और यही ट्रिटी ऑफ सागौली जो है, इसको लेकर ब्रिटिश नेपाल कहता है आज वर्तमान में, तब ब्रिटिश बहुत मजबूत था, उसने मेरे ऊपर ये संधि थोपी है। क्यों? क्योंकि ये बोलते हैं कि वहां पे लंबे समय से नेपाल के लोग रह रहे थे, ब्रिटिश ने इनको वहां से भगाया, और उनका 12 साल से वहां पे रह रहे थे। एक बहुत बड़ी मेहनत के साथ में उन्होंने वहां पे अपना घर बसाया था, अपने खेत बनाए थे, और उनको ये सब छोड़कर नेपाल की ओर भागना पड़ा था। इस प्रकार से ब्रिटिश उस समय पावरफुल था, हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो अभी आपने देखा होगा एक काली रिवर के पास में एक बहुत बड़ा इशू राइज हुआ था। क्लियर है? हाँ, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, बस आज के सेशन में इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने बोला था 15 मिनट की क्लास होगी, और क्योंकि ज्यादा कुछ है नहीं, कल सेशन होगा 5 PM पे, ठीक है, और 5 बजे से देखते हैं कि ये सेशन कितने देर में कंप्लीट होता है। जो भी चलेगा, 8 तो रहेगा, 8 के बाद आपके एनर्जी के ऊपर है, ठीक है, क्योंकि आप ज्यादा चिल्लाने लगते हो, मेरे से ज्यादा तो आप चिल्लाते हो, ठीक है। हाँ, तो 8 तक तो होगा ही, 8 के बाद देखेंगे। तो एक बहुत बड़ा पार्ट हम लोग इंडियन इकोनॉमी का उसके आगे का कंप्लीट करेंगे। क्लियर जी? हाँ, तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं हम लोग कल शाम को 5 बजे। परसों स्पेक्ट्रम में बड़ा टॉपिक होगा, कम से कम 40 से 45 मिनट पढ़ेंगे उसको, ठीक है। चलिए।